लो है सरपंच पिंड खड़कर कोट जिला सीर पासे नगर पंजाब, क्योंकि जब पहली बारी सरपंच बने पिंड खड़कर कोट के अंदर पहला तो पिंड की चार दीवारी पिंड जी आप फिरनी भी कहने उन्होंने ही पक्की करवाया। फिर एक बंगिया तो कोट बतूई रास्ता जाता जी साढ़े पिंड की नहर क्रॉस करती है, उसे बहुत बड़े हादसे होंगे सी छोटा पुल सी, असी उन्होंने कृष्ण कुमार साढ़े डीसी साहब से दिते उन्हों का सदका उन्होंने जो भी सानू सहयोग दिता, तो असी 2 लाख रुपया उन्होंने सानू ग्रांट आई सी, तो असी पुल नू चौड़ा किया। शमशान घाट साढ़े पिंड की घट्टो घट्ट 7-8 फुट डूंगी सी, शमशान घाट में चार दीवारी गई उत्थे जो भी अपने बिल्डिंग बनाई असी मुर्द घाट बनाया जी। फिर उस तो बाद जो पिंड दियां गलियां नालियां हैगियां जी ये पक्कियां सीमेंट दियां करवाइयां, कुछ एरिए इंटरलॉक भी लाया गया जी, कुछ साढ़े पिंड दे विच जिमीदारां दे खूहां दे उत्ते 24 घंटे सप्लाई नहीं, क्योंकि साढ़े पिंड दे जिहड़े जिमीदार आ वो ज़्यादा खूहां दे रहिंदे जां NRE आ साढ़े पिंड दे, पिंड साढ़े दे विच NRE ज़्यादा हैगे जी, उन्हां दे खूहां दे उत्ते 24 घंटे सप्लाई कराई। फिर पिंड तो कुछ लिंक रोड लगते जी, हप्पा रोड लगता जी, एक हुण भी जिहड़ा रोड लगता पिया बनता पिया जी, उन्होंने जिहड़े रोड आ उन्होंने लिंक दे नाल कच्चे सिगे पक्के जोड़ के मतलब PWD ने कुछ असी मंडी बोर्ड तो मंडी बोर्ड के 10 साल डायरेक्टर भी रहे हैं। उस तो बाद कुछ खूहों के उत्ते लिंक रोड सके जी उन्होंने असी पक्के करवाया। स्कूल की जी इमारत हैगी है जी वो तकरीबन साढ़े बजुर्गों के बाबे परदादे वेले की पुरानी इमारत सी, वो स्कूल नूं उच्चा करके असी उन्होंने लेंटर पाया चार दीवारी और उत्थे लैटरिंग बाथरूम जो भी रसोई की सुविधा जो भी मतलब उत्थे लोड़ मुताबक से ही उन्होंने करवाया जी। फिर उस तो बाद कुछ धार्मिक स्थान है जी उन्होंने रास्ते पहले तो है ही नहीं सके तो उन्होंने पक्के करवाया। एक सब तो वड्डी समस्या यह हैगी है जी साढ़े बंगिया का जो भी सीवरेज का हैगा कुछ इलाका होर भी उहदे नाल जोड़ दिता गया जिदा पूनिया जींदवाल तो कुछ अपने सोत्रा रोड भी जोड़ दिता हैगा कई मतलब उन्हों का ज़्यादा वहा हो गया वो साढ़े पिंड के बिच ही क्रॉस हो गया जी, वह भी साढ़े पिंड की बहुत वड्डी समस्या सी जी, असी वो अंडरग्राउंड किया जी जाके लोगों को पानी पीने की बड़ी समस्या थी पानी खराब हो जाते थे जी, वो भी साडा मतलब असी अपने पंचायत के दरम्यान करवाया। उस तो बाद धार्मिक स्थान से जिमें कि रदाह मंदिर है जी वो हाल बनाया बनता पाया कुछ रहा पाया जी, वो सारा पैसा पंजाब सरकार का लगा जी। साढ़े पिंड पंचायत घर नहीं है जी, पंचायत घर की अधूरी सारी पई है प्लस्तर वगैरह रहा लेंटर वगैरह पै गया है जी, विधायक तो योगदान नहीं लेंदे ना विधायक कोई योगदान दे सकते ना विधायक के कितने साइन होंगे जी कि चेक के उत्ते सानू पंजाब सरकार दे रही या DC साहब दे रहे हैं, असी किसी किसी विधायक के कोलों जां अज तक कोई विधायक दस भी कितने चेक के उत्ते साइन होंगे हो जी, साढ़े जिला अफसर के होणगे साढ़े BDO साहब के साइन होणगे DDPO के साइन होणगे DC के साइन होणगे, ये तो पोलिटिकल रोटियां सेकते जी अपन मतलब वोटा लैन के मारे चैक उन्होंने बुला लेंगे तो लिया के अंदर चैक दे देंगे जी, सानू यह सारा पता है ना असं इन्होंने कहीं जी जूरी कर जाने ना सानू वाधा पैसे देंगे कहते जी ना ही नहीं कहीं सू वाधू पैसा देना इन्हों की ज्यादा सूड नहीं सू वोटा वरतते हैं जी। जो किसान जो धक्का हो रहा देखो किसान किसान जोड़ा एक है असं भी किसान हाँ एक अन्नदाता मनिया गया जी, जो असं उस अन्नदाते उपजाऊ जमीना से जा सारे टैक्स लागे जनू तंग करे परेशान करे आने वाले समय के मोदी सरकार इन्ना तंग कर रही चाहे स्टेट सरकार भी ना ही है सारे ही है जी, ठीक है जी। हम स्टेट अपने ला लो जी अपने हरियाणे की सरकार ला लो उन्होंने कि तंग किया लंघन तो रोकया जी किसान ने फिर भी मतलब असं भी ना जाना सी मेरी लादी समस्या करके मैं नहीं जा सकया प्रॉब्लम से पिंडों पैसे भी कट्ठे करके दते है जी जिनी भी साढ़े पिंड तौर पर सारे जींदार ने कट्ठे हो गए पर इन्हों नहीं तंग करना चाहिए अन्नदाता नहीं तंग करना चाहिए जे तक कोई देखो संविधान लिखा गया संविधान लिखा गया सगा भी एक हरियाणा तो एक पंजाब जो जिदा मतलब चल रहे पहला ये चलना चाहिए इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए सी बाकी स्टेटा की हो रहा पहले तो चलता पे चली जाए जी।